आज मैं जिन फाइनेंस कोर्सेज की बात करने जा रहा हूँ ना यार, अगर आप उनको करते हो तो आपके जॉब लगने के चांसेस एटलीस्ट 70% से बढ़ जाएंगे। और इतना ही नहीं, कोर्स के अलावा हम सैलरी, जॉब प्रोफाइल और बाकी चीजें भी जरूरी डिस्कस करेंगे जो आपको जानना चाहिए। करें शुरू। सबसे पहले है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर CFP, सबसे बड़ा एग्जांपल है इंडियन वेडिंग्स। तो ये प्रोफाइल अगर आप करते हो या ये कोर्स अगर आप करते हो तो आप एक फाइनेंशियल प्लानर बनते हो जो दूसरों को हेल्प करते हो कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करे और कैसे की जाती है। जो कि कोर्स ड्यूरेशन इसकी रहती है दैट इज अराउंड 6 months से लेके 2 years तक डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल। एंड सेम गोज फॉर द सैलरी। अगर आप मिनिमम सैलरी की बात करो तो समवेयर अराउंड 3.4 to 4.5 lakhs रहती है। एंड इफ यू हैव अ रियली गुड प्रोफाइल, बाकी चीजें भी आपने कर रखी हैं, तो समवेयर अराउंड 8 to 9 lakhs यू कैन एम फॉर। सेकंड नंबर पे है सर्टिफाइड वेल्थ मैनेजर CWM। CWM ना बेसिकली जो भी उसके पास एक क्लाइंट आता है उसके सारे के सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए, लाइक रिस्क टॉलरेंस, ऑब्जेक्टिव, करियर ग्रोथ, एवरीथिंग उसको दिमाग में रख कर ना एक वेल्थ मैनेजमेंट प्लान बनाता है कि फ्यूचर के अंदर उसकी वेल्थ कैसे जनरेट की जा सकती है। ये वाला कोर्स ना आपको जेन्युइन एक्सपीरियंस देता है वेल्थ मैनेजमेंट फील्ड के अंदर, जो मेरे को लगता है पर्सनली बहुत ही कम कोर्सेज में सेपरेटली किया जाता है। लाइक CF में ये डेफिनेटली है, लेकिन इतना डिटेल में उसको बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। कोर्स ड्यूरेशन की अगर बात करें तो समवेयर अराउंड 5-6 months से लेके 1 साल तक, और एक्सपेक्टेड सैलरी सिमिलर टू काफी हद तक CFP 3.5 टू 4.5 लाख से स्टार्टिंग होता है एंड इट कैन गो अप टू 10 लाख अगेन डिपेंडिंग अपॉन द ओवरऑल प्रोफाइल। थर्ड है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स IFRS। यार जब भी हम ये बैलेंस शीट देखते हैं, PNL देखते हैं या कुछ भी और अकाउंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जो उसको बनाने वाला लगता है, जैसे कि कौन से सेट ऑफ रूल्स या स्टैंडर्ड्स फॉलो किया जाए। इंडिया के अंदर तो ICAI चलता है, लेकिन स्पेशली अगर आपको UK में जाना है तो IFRS इज द कोर्स। US के लिए नहीं, US के लिए गैप होता है, लेकिन अगर आपको UK के अंदर या फिर इंडियन कंपनीज में काम करना है जो UK बेस्ड हो, या फिर आपको UK की कंपनीज में काम करना है जो इंडिया के अंदर हो, देन दिस कोर्स इज द राइट फिट फॉर यू। ये वाला कोर्स कैन बी इजीली कंप्लीटेड विद इन 3 to 6 months, ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसके अंदर, और एक्सपेक्टेड सैलरी होगी अराउंड 3 lakhs से स्टार्टिंग, बिकॉज अकाउंट्स की जो पेइंग होती है इन दीज जॉब्स इट्स नॉट वेरी हाई, बट 3 lakh 3.5 lakhs से इट स्टार्ट्स एंड इट कैन गो अप टू 5-7 lakhs। फोर्थ है चार्टर्ड ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट। अब यार ये वाला जो कोर्स है ना, ये फोकस करता है आखिरी दो वर्ड्स पे, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट। कॉमन इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है हम सबको पता है, लेकिन ऑल्टरनेटिवली अगर आपको किसी भी चीज में इन्वेस्ट करना है, मे बी रियल एस्टेट या प्राइवेट इक्विटी या ऐसी भी कोई चीज, तो ये उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाता है। इसका छोटा सा पार्ट CFA में भी कवर्ड होता है। एक्सपेक्टेड अगर हम देखा जाए इस कोर्स को करने के बाद जो आपकी सैलरी लगती है, इट्स यूजुअली अराउंड 5 lakhs एंड इट कैन बी कंप्लीटेड इन 1 year। इसका एक थोड़ा सा मुझे डिसएडवांटेज यार ये लगता है कि दिस कोर्स इज अ बिट एक्सपेंसिव, तो अगर यू कैन बेयर द फंड्स फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स देन गो अहेड। अब लास्ट कोर्स है CPA का। यार CPA सुनके ना मोस्टली हमारा ध्यान टुवर्ड्स अकाउंट्स ही जाता है, बट अकाउंट्स एंड फाइनेंस आर ऑलवेज काफी हद तक लिंक्ड। तो अगर जब मैंने कहा IFRS में होता है ACCA रिलेटेड काम, जो आपका CPA होता है ना उसमें होता है US बेस्ड स्टैंडर्ड्स एंड US बेस्ड पॉलिसीज, तो इसमें आप गैप के ऊपर ज्यादा फोकस करते हो, नॉट IFRS। तो अगर आपका मन है यार कि मुझे US बेस्ड कंपनीज में काम करना है या फिर कोई भी इंडिया में कोई US की कंपनी उसमें काम करना है, दिस कोर्स इज रियली हेल्पफुल फॉर यू, खास करके बिग फोर्स के अंदर इट इज वेरी वेल एक्सपेक्टेड। रही बात टाइम पीरियड की, यूजुअली अराउंड 1 to 2 years डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन, और सैलरी कैन बी अप टू 8 to 10 lakhs, बट स्टार्ट 4 to 5 से ही होता है। ये थे हमारे 5 courses, बट ये 5 courses से यार दुनिया खत्म नहीं होती है। इससे पहले मैंने और इंपॉर्टेंट 5 courses की लिस्ट की वीडियो पहले ही बना दी थी, सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दिस।